लेटर फ्रेंड के पास कैसे लिखेंगे, चलो लेटर कैसे लिखेंगे, जैसे राइट लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर एम इन लाइफ, पाँच मिनट रुक जाइए। तो कैसे लिखते हैं, मतलब आप अपने क्या आपका जीवन का लक्ष्य है उसके बारे में एक लेटर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप उस जगह का नाम लिखते हैं, फिर डेट लिख देते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं कि माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, यू हैव आस्क्ड मी टू टेल अबाउट माय एम इन लाइफ, आपने मुझसे मेरे जीवन का उद्देश्य के बारे में पूछा है या पूछा था। आई वॉन्ट टू से अबाउट माई एम इन लाइफ, मैं अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है, डेट आई वॉन्ट टू बी कम ए डॉक्टर। यहाँ पर इस यहाँ लिखना चालू करते हैं कि हाँ मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई हैव फेल्ड डेट ए ग्रेट नीड ऑफ गुड डॉक्टर्स इन आवर कंट्री, मुझे महसूस हुआ है या हुआ है कि किसी घटना से हुआ था कि मतलब कि हमारे देश में अच्छे डॉक्टर की बहुत जरूरत है। स्किल्ड डॉक्टर्स नो आर नॉट अवेलेबल इन आवर विलेज, मतलब कि निपुण डॉक्टर, बस की मतलब होता है कि निपुण वाला, वो डॉक्टर हमें अवेलेबल हमारे गांव में नहीं है। सो आई हैव मेड अप माई माइंड टू बिकम ए गुड डॉक्टर, इसलिए मेरे दिमाग में मैंने अपने दिमाग में बना लिया है कि एक डॉक्टर मैं बनूँ, है ना। वेन आई बिकम ए डॉक्टर आई विल ट्रीट द पुअर पेशेंट फ्री, जब मैं गरीब मैं मतलब एक डॉक्टर बन जाऊँगा या हो जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, गरीब रोगियों को, पेशेंट मतलब रोगी होता है, गरीब रोगियों को मुफ्त में मतलब ट्रीट करूँगा, उपचार करूँगा। आई नो दैट इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम ए गुड डॉक्टर, मैं जान रहा हूँ कि यह ईजी तो नहीं है कि मैं अच्छा डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन फोर कम्प्लीट माई एम्बिशन, लेकिन मेरे लक्ष्य को अपने कम्प्लीट करने के लिए आई वुड हार्ड वर्क लेबर, मैं कठिन से कठिन परिश्रम करूँगा। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू मदर, है ना, तो मेरे तरफ से माँ को मतलब क्या करना, प्रणाम करना, यस आदर सत्कार करना, योर लविंग फ्रेंड एक्स वाई जे। इस तरह से आप लेटर लिख सकते हैं, शुरुआत करना मतलब इस तरह से आप बॉडी को चेंज करेंगे, मैटर आने के बाद अलग मैटर होगा तो अलग चेंज करेंगे, लेकिन इस तरह से लेटर लिखना।